हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और आज हम टैबलेट वाइग्रा, जिसका कंटेंट है सिलडेनाफिल साइट्रेट, उसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो टैबलेट है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इसमें चार टैबलेट होते हैं और ये ईच टैबलेट 100 mg की है फ्रेंड। और इसका जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, उसमें आपको समझ ही गया होगा कि ये टैबलेट क्या काम करती है। फ्रेंड्स, इसका मेन जो प्राइमरी यूज़ है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारा लिंग होता है, पेनिस जिसे हम कहते हैं, उसका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना। मतलब क्या है ये, इसको एक इम्पोटेंस भी कहा जाता है। तो अनेबल टू अचीव द प्रॉपर पेनाइल इरेक्शन। पेनाइल इरेक्शन मतलब जो हमारा लिंग है, उसका प्रॉपर तरीके से टाइटनेस जो है, उसका टोटल चले जाता है, उसको बोलते हैं पेनाइल इरेक्शन। और उसकी वजह से प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना, इसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन फ्रेंड्स, और जिसको मेंस में इम्पोटेंस भी कहा जाता है। अब इसके कारण क्या है, इसके किस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, तो उसके जो वजह हैं वो तीन चार वजह मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। एक तो है डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द पेनिस, और डिक्रीज मतलब जो ब्लड फ्लो है पेनिस को, वो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो उसकी वजह से भी ये जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा होता है। दूसरा जो है, इसमें साइकोलॉजिकल कुछ है क्या, साइकोलॉजिकल मतलब एनजाइटी है, स्ट्रेस है, या कुछ टेंशन है, उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। और डिक्रीज ब्लड फ्लो जो मैंने बताया पहला, उसमें फिजिकल एक रीज़न होता है, उसमें कोई इंजरी है क्या, कोई डिसीज़ है क्या, कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या। और थर्ड जो है, क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे कि आप ओबेज हैं क्या, आपको स्मोकिंग की आदत है क्या, आप अल्कोहल लेते हैं क्या, तो आप टोबैको लेते हैं क्या, इसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। और जो फोर्थ है, जो लास्ट है, जो कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स के बारे में, इसको हम कहते हैं हैंड प्रैक्टिस मैस्टर्बेशन, वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। और ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कितने एज में हो सकता है फ्रेंड्स, मोस्टली अगर देखा जाए तो 30 से 70 की जो एज है, उसमें जो है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अभी वायग्रा के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि वायग्रा जो है क्या करता है। जो वहाँ पे ब्लड फ्लो पेनिस को या हमारे लिंग को जो ब्लड फ्लो प्रॉपर हो नहीं रहा है, वहाँ के ब्लड वेसल्स को ये रिलैक्स करता है, और ये उस कंडीशन में जो है पेनाइल इरेक्शन जो है वो प्रॉपरली होने में मदद करता है। ये किस कंडीशन में अच्छे तरीके से काम कर सकता है, एक तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल, अगर दोनों भी कंडीशन एखादे पर्सन में या एखादे इंडिविजुअल है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। बट ओनली अगर साइकोलॉजिकल उसका रीज़न है, तो उस कंडीशन में वायग्रा काम करेगा कि नहीं ये बता नहीं सकते। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की या उस आदमी की काउंसलिंग भी प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, उसको प्रॉपर समझाना चाहिए कि भाई ये जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, ये जो बाकी की चीज़ें हैं, हैंड प्रैक्टिस, ये सब हमें बंद करनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। और सब में इम्पॉर्टेंट जो मेरा आज का पार्ट है फ्रेंड्स, जो मैं ये टैबलेट के पूरी व्यू के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है साइड इफ़ेक्ट्स। फिनामिनल और बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट क्या है कि कभी कभी इसका प्रोलॉन्ग, ये गोली खाने के बाद प्रोलॉन्ग और पेनफुल इरेक्शन वहाँ पे रह सकता है, वो भी 4 से 5 घंटे के लिए फ्रेंड्स। ये नंबर वन है, और ये सब में ज़्यादा भयंकर है। उसके बाद दूसरा जो है, लॉस ऑफ विजन, तो आपको जो है आपकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है, एक या दोनों भी, तो ये भी बहुत ही डेंजरस है। और तीसरा जो है, इसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, मतलब आपको जो है आपके कानों से कम सुने आना, ये भी हो सकता है आपको, या सुने कम आएगा, या आपको बिल्कुल सुने ही नहीं आएगा। और ये जो है, ये इसकी वजह से सेक्सुअली लिंक ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जैसे सिफिलिस है, गनोरिया है, ऐसे भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। और इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, अस्थमा, ऐसे बहुत से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी पैदा हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप अगर जानते होंगे तो मेरा पिछला वीडियो अगर देखे होंगे, इसके पहले का ही एकदम फर्स्ट इसके बिलो इट, तो मैंने बताया था कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में एक सेक्सुअल मेडिकेशन का ज़्यादा यूज़ करने से भी जो है बीपी, शुगर, अस्थमा, ओबेसिटी, थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स आज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका किसका फ़ायदे के से ज़्यादा इसका नुकसान ही बहुत है, तो ये टैबलेट को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत ही एक ख़तरनाक टैबलेट है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं ये टैबलेट आपको लेने के लिए बिल्कुल ही अवॉइड करूँगा या फिर मना करूँगा। तो इसके अलावा आप बहुत से आयुर्वेदिक मेडिसिन के तरफ भी अपना ध्यान बटा सकते हैं,
जो कि बहुत से अवेलेबल हैं, अश्वगंधा है, शिलाजीत है और मकरध्वज है, ऐसे बहुत से मेडिसिन में पावरफुल इफेक्ट है और वो आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देते, तो आप बेटर आप उसकी तरफ थोड़ा सा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, इसका से लोगों का भला होगा। थैंक यू वेरी मच।